हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पटेल, कोच एंड ओनर ऑफ दिस एकेडमी। गाइस, जैसे कि हम हमारी सारी वीडियोस में यह कहते हैं कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मोहम्मद बाकिर, जिन्होंने रिकर बो की लाइनिंग कैसे सीधी की जाती है उस टॉपिक पे उन्होंने नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रिकर बो की लाइनिंग कैसे सीधी की जाए। ये हमारा रिकर्व बो, जैसे कि अगर इसका सबसे पहले अगर आपको लाइनिंग देखनी है कि इसका मतलब किस साइड को तिरछा है बो आपका, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बो को ऐसे चेयर पे रखना है लॉन्ग बार की हेल्प से, और आपको इसके बो के ऐसे पीछे खड़े होकर के आपको कोई भी आप लेफ्ट या राइट अपनी आइज को एक बंद करके आप ये चेक करेंगे कि आपकी स्ट्रिंग आपके लॉन्ग बार पे आपको ऐसा प्रॉपर आँख से ऐसे एक बंद करके आपको अपनी इस स्ट्रिंग को आपका जो स्टेपलाइज़र है उसके आपको सेंटर पे लेके आना है। उसके बाद में जब आप इसको आप चेक करेंगे, आपको स्ट्रिंग को स्टेपलाइज़र के ऊपर रखना है, और उसके बाद में जो ये टेलर टाइट करने वाला होल रहता है इसमें आपको देखना है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो आपके इसके सेंटर पे आना चाहिए। आपको ऊपर वाले में भी स्ट्रिंग को आपको सेंटर पे रखना है और खड़े होकर के नीचे वाले भी जो होल है इसका यहाँ पे टेलर वाला उसमें आपको इसको प्रॉपर देखना है। अब जब आप एक आंख बंद करके आप अपनी बॉडी को रोक करके आप इसको चेक करेंगे, तो अगर आपको हल्का सा अगर आपकी स्ट्रिंग सेंटर में ना हो के हल्की सी अगर लेफ्ट में है, सॉरी राइट में है, इस साइड को है, अगर हल्की सी अगर राइट में है, तो आपको क्या करना है, आपको एलेंकी ले करके और आपके यहाँ पे ये जो साइड में स्क्रू बने हुए हैं इनको आपको एक साइड से इस वाले को आपको लूज़ करना है ऐसे, और इस वाले को हल्का सा आपको टाइट करना रहेगा। आप इसको हल्का सा इसको आप लूज़ करेंगे, इसको आप टाइट करेंगे, बहुत थोड़ा सा करेंगे तो आपकी लिम्ब हल्की सी लेफ्ट साइड में झुकेगी। फिर उसके बाद में आपको फिर से वैसे ही चेक करना है, आपको प्रॉपर स्ट्रिंग को स्टेपलाइज़र के सेंटर पे रखना है, और फिर उसके बाद में आपको स्ट्रिंग को आपके इसके सेंटर में देखना है। यह मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आप इसको इस ट्यूनिंग को करोगे, अगर आपके एरो लेफ़्ट राइट होकर जा रहे हैं या अच्छे से नहीं जा रहे हैं, तो वो एक एवरेज आपके रेड में येलो में आपके एरोज आने लगेंगे, क्योंकि एक फ़ाइन ट्यूनिंग के लिए इसमें कंटिन्यूस इसकी ट्यूनिंग होती है, प्लंजर बटन से, फिर उसके बाद में टेलर से भी होती है, लिम अलाइनमेंट से भी होती है। लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं एक ये बेसिक ट्यूनिंग है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एरोज बहुत अच्छे से जाने लगेंगे। तो नेक्स्ट जो हम इसमें आपको हम बता रहे हैं कि आपको इसमें प्रॉपर एक आँख को बंद करके चेक करना है, और जैसे कि अभी हमने इसको किया हल्का सा, थोड़ा सा इसमें राइट थी, हमने इसको इस साइड से लूज़ किया, इस साइड से हमने इसको टाइट किया, थोड़ा सा हमारी लिम लेफ्ट में आई तो हमारी स्ट्रिंग भी थोड़ा सा इस साइड को आई। अब हम जैसे एक आँख बंद करके हम फिर से चेक कर रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो इसके सेंटर में आ चुकी है। नेक्स्ट नीचे वाली लिम को भी मिलाना है यहाँ पे, जैसे स्ट्रिंग को आपने स्टेपलाइज़र में किया फिर उसके बाद नीचे वाले में चेक किया, तो जैसे इसमें दिख रहा है कि हल्का सा ये लेफ़्ट साइड में है इसकी स्ट्रिंग, तो इसमें हम वैसे ही फिर से हम यहाँ पे नीचे साइड में इसमें हम एलेंकी फंसाएंगे यहाँ साइड में, और उसके बाद में जैसे हमने बताया कि इस साइड को है तो हमें थोड़ा सा लिम को हमें राइट में करना होगा, तो राइट में करने के लिए जो राइट साइड का इसका जो एलेंकी है इसको हम हल्का सा हम लूज़ करेंगे, और जो लेफ़्ट वाला है इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे। तो करने में ये होगा कि इसकी जो लिम है हल्की सी वो राइट में आएगी, तो स्ट्रिंग जो हमारी लेफ़्ट में दिख रही थी वो एक सेंटर पे आ जाएगी। लेकिन इतना करने से आपकी लाइनिंग सही नहीं होती है, आपको इसको अच्छे से करने के लिए फिर आपको एक साथ में दोनों ऐसा चेक करना है। आप ऐसे साइलेंट बिल्कुल खड़े होंगे, और उसके बाद में आप ऊपर के में भी होल में आप चेक करेंगे, नीचे भी चेक करेंगे, इसके बाद में आपको दोनों को मेज़रमेंट करते हुए आपको बहुत अच्छे से चेक करना होगा कि थोड़ा सा ऊपर वाले को भी आप लेफ़्ट राइट करेंगे, नीचे वाली लिम को भी आप थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करेंगे। अगर आपके पास में ये लिम लाइनर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो जैसा मैंने बताया आप वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। तो आप इसमें आप इसको लिम लाइनर को इसमें आप फंसाएंगे ऐसा प्रॉपर, और ऐसे ही सेम आप इसमें आप नीचे वाले में आप यहाँ पे ऐसा फंसाएंगे, और इसके बाद में जो इसके यहाँ पे जो लाइन है इसमें जो सेंटर लाइन है इसको सेम आपको ऐसे रख करके, और आपको इसके देखना है कि लाइन इसके
सेंटर में आ रही है कि नहीं। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो इसमें ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है वो लाइनर के बीच में आ रही है और नीचे वाली जो है वो इस पे आ रही है, मतलब ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसकी वो इस पे आ रही है स्ट्रिंग। तो इसको हम फिर से हल्का सा हम राइट में करेंगे, तो इसको हम हल्का सा लूज़ करेंगे, इसको हम टाइट करेंगे। तो अब ये होगा कि जैसे ऊपर वाली अभी भी सेंटर में है लेकिन हाँ नीचे वाली भी थोड़ी सी हमारी ये सेंटर पे आ चुकी है। तो जैसे अगर आप अपने बो में आप करते हैं, इसको अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप अपने बो में भी थोड़ा थोड़ा सा टेलर को सॉरी जो लिम लाइनर है इसको आप इससे टेलर से आप लेफ़्ट राइट करके आपको इसके सेंटर पे लाना है। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप बहुत बेसिक्स है, आप इसका जो सेंटर रहता है होल रहता है इसके, आपको इसमें सेंटर पे स्ट्रिंग को लेकर आना रहता है। जैसे जैसे आप करेंगे आपकी एक जो लिम इसका जो अलाइनमेंट है वो बहुत सीधा हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर आप इसको फाइनल कर लेते हैं तो बहुत धीरे से आप इसके साइड के जो स्क्रू हैं इसको आप बहुत टाइट कर दीजिए बिल्कुल। इसको जैसे कि नीचे वाले टाइट हो गए, अब हमने इसके जो ऊपर वाले भी हैं इसको भी हमने प्रॉपर हमने टाइट कर दिया है। नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान देना है ये हॉयत का बो है, लेटेस्ट है अभी, तो इसमें डायरेक्ट जो हमने एलेंकी लगाई है ये डायरेक्ट लगी हैं, लूज एंड टाइट हो चुका है। लेकिन इसके जो पुराने मॉडल होंगे या वीएफ इसके जो हैंडल होते हैं एटीएफ एटीएफ एक्स आते हैं उसमें सबसे पहले आपको दोनों साइड से आपको स्क्रू को खोल के दो रहते हैं वो आपको निकालना है। फिर उसके बाद में जो इस वाले में अंदर यहाँ पे होल में पोजीशन है वो आपको उस स्क्रू के अंदर आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आप वहाँ पे आप जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो आप उसमें आप कर सकेंगे। तो ये हमने आपको एक बेसिक हमने आपको बताया कि इसको आपको कैसे सीधा करना है। हमें उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम जो हमारा प्लंजर बटन है उससे हम एरो की पोजीशन कैसी होनी चाहिए वो अब हम आपको बताते हैं। तो गाइस अब हम आपको हम बताएंगे कि इसमें आपको एरो लगा करके आपको एरो लाइन कैसे चेक करनी है। तो सबसे पहले इसको आपको एरो को फंसाना है इसमें, और उसके बाद में जैसे आपने इसको रखा अब इसमें आपको एक चीज़ प्लस करनी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको स्ट्रिंग को स्टेबलाइजर पे रखना है, तो अभी भी आपको सेम रखना है लेकिन आपको ये चेक करना है कि आपका एरो कहाँ पर आ रहा है। जैसे आपने एक आंख बंद की और फिर उसके बाद आप खड़े होकर आप चेक करेंगे तो आप अगर अपनी स्ट्रिंग को आप स्टेबलाइजर पे आप सेंटर पे रख रहे हैं लेकिन अगर आपका एरो बहुत अंदर आ रहा है, मतलब ये राइट साइड को बहुत ज़्यादा है इस साइड को, तो आपको आपका जो प्लंजर बटन है आपको इसको हल्का सा बाहर करना होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा बाहर को हो रहा है लेफ़्ट साइड में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अंदर करना है। जैसे कि अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये मुझे हल्का सा बाहर दिख रहा है, तो बाहर अगर इसको सही करना है तो सबसे पहले आपको बटन का ये जो इसकी स्क्रू है ये आपको इसको लूज़ करना है, थोड़ा सा ऐसे इसको लूज़ करना है। जैसे अगर बहुत टाइट होंगे तो इसमें दूसरे साइड भी रहता है उसको भी आपको लूज़ करना है। फिर उसके बाद में आपको इसकी हेल्प से आपको इसको लूज़ करना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे आपको इसको जो इसका बोल्ट है इसको आपको पकड़ के, जैसे कि ये बाहर है बहुत ज़्यादा तो इसको मैं हल्का सा मैं अंदर करूँगा इसको, मतलब मैं इसको इस साइड को घुमाऊँगा तो ये अंदर को आएगा। जैसे कि मैंने इसको ऐसा लूज़ किया और अब मैं ये घुमा रहा हूँ इसको, जैसे ये बाहर हो गया थोड़ा सा, फिर आप इसको हाथ से ये वाले बोल्ट को आप पूरा टाइट करेंगे। फिर उसके बाद आप सेम प्रोसेस में आप इसको प्रॉपर फिर से खड़े होकर के देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं आ गया या अभी भी थोड़ा बाहर है क्या, तो आपको ये चीज़ चेक करना है। अगर बहुत अंदर है तो आप इसको आप फिर से खोलेंगे हल्का सा, इसको आप जो आपका ये वाइट वाला जो स्टील आपको दिख रहा है इसमें आप इसको आप थोड़ा सा टाइट करेंगे प्रॉपर इसको अंदर घुमा के। पहले आपको इसको ये आपको ऐसे लूज़ करना है, फिर इस बोल्ट को आपको पकड़ना है, फिर स्टील वाले हिस्से को पकड़ करके आपको इसको घुमाना है तो आपका बोल्ट रोका रहेगा और उसके बाद में आपका स्टील अंदर जाएगा हल्का सा, और फिर उसके बाद में आपको इसको फिर से टाइट करना है। एक हैंड से आप बहुत नॉर्मल सा टाइट करेंगे फिर आप इसको आप चेक करेंगे। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ये मेरा जो एरो है वो उसके सेंटर पे आ चुका है, लेकिन आपको इस चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपका एरो बिल्कुल स्टेबलाइजर के सेंटर पे नहीं होना चाहिए, उसको आपको हल्का सा बहुत जो उसका पॉइंट वाला हिस्सा रहेगा एरो का पॉइंट रहेगा वो स्टेबलाइजर के बहुत थोड़ा सा
उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं कि एरो स्टेबलाइजर से बाहर दिखे, या बहुत उस पर ही सेंटर पे नहीं रखना, बहुत सेंटर पे आने के बाद में बहुत थोड़ा सा हिस्सा उसका पॉइंट का थोड़ा सा स्टेबलाइजर के साइड वाले हिस्से पर होना चाहिए। ये आप खुद ही आप ऐसे खड़े होकर के आप उसको आप चेक करेंगे तो ये, और फिर उसके बाद में आपको इसको फिर इसकी हेल्प से आपको इसको टाइट कर देना है, और इसके जो स्क्रू हैं आपको एलेंकी की हेल्प से इसको फिर से आपको टाइट कर देना है। तो मैंने अभी आपको जो बताया इससे आपके बो की एक बहुत बेसिक इसकी लाइनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी कि आपके एरोज रेड के अंदर फिर भी येलो पे आपके आ सकते हैं, और आपकी फिर जो शूटिंग है उसके ऊपर मैटर करता है कि आपकी शूटिंग कैसी है और उसके बाद में आपके एरोज कैसे जाएंगे। लेकिन जो हमने आपको बताया इससे आपके एरोज बहुत अच्छे आपके जाने लगेंगे। नेक्स्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इसको आप कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब बो पंच करता है तो इसकी लाइनिंग हर 10 दिन में 15 दिन में किसी किसी धनुष में 5-5 6-6 दिन में भी लाइनिंग अपने आप इसकी लेफ्ट राइट हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो आपको हर एक हफ्ते में या 10 दिन में आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी बो की लाइनिंग एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर ठीक है तो आप उसको वैसे ही रन दीजिए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस में लाइनिंग उसकी लेफ्ट राइट हो ही जाती है। तो आप इसको आप बार बार जब आप करने लगेंगे तो आपको इस चीज़ का आपको समझ में आने लगेगा। हम आर्चर्स हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो में रिकर्व बो की लाइनिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें जिससे हमारे नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी उसकी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी। आर्चर्स अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।